हे गाइस आज हम एनालाइज करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को, तो चलिए शुरू करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करने वाले रिलायंस के चार्ट को, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि मल्टीपल टाइम अप्रॉक्सीमेटली लगभग तीन से ज़्यादा टाइम, चार, एक दो तीन चार, ये फोर टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ से रिवर्स कर रहा है। एंड अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, जो कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मूव किया। एंड अब ये यहाँ पे जाके सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट पे। जैसे कि आपको पता होगा, जो भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो बाद में वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑलरेडी यहाँ पे एक दो टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। एंड अब हम इसे थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसे चेक करते हैं कि अब मैं इसे एक काउंटर ट्रेंड लाइन जिसे कहते हैं हम, वो ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया इस पर काउंटर ट्रेंड लाइन, और इसने जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। अगर हम इसको, मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो आपको एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं ड्रॉ करता हूँ तभी आप, शायद आपको कंफर्म दिखेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यूनिवर्सल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, फिर ये आके यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ पे अभी सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर दिया। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो हमने ये सब देख लिया, ट्रेंड ब्रेकआउट एंड काउंटर ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक अच्छी, इसका हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा इसमें 2475 और दूसरा होगा ये 2500 के आसपास है। ये अगर 2500 को ब्रेकआउट देता है तब ये डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट देता है, देन इसका अगला मोमेंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 2600 का, 100 पॉइंट का, एंड फाइनल टारगेट हमारा होगा 2745-50 का। ये हमारे तीन टारगेट हैं। तो ये अभी अगर हम बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी लो होगा, स्टॉप लॉस हम लगभग इधर लगा सकते हैं इस पॉइंट पे। अगर हम फिबोनाची का यूज़ करें, फिबोना रिट्रेसमेंट का यूज करें, तो यहाँ पे जाके हम ये देखिए काफ़ी अच्छे एरिया में इसने, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा ये एरिया में इसने प्रॉपर सपोर्ट ले रखा है। अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज को यूज़ करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज़ किया 50 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ पे इसने उसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है 50 डे, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मान सकते हैं। और ये मूविंग एवरेज को हम कन्फ्लुएंस ऐड करने के लिए हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं।
Thank you so much guys for watching this video, and hope you like and enjoy.